वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। रोशनबाग के मंसूर अली पार्क में विरोध प्रदर्शन का आज सातवां भी। महिलाओं का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, वहीं युवाओं ने भी भागीदारी के लिए आगे आए। नौजवानों ने इस इतिहास रच दिया, लड़कों ने अपने खून से कफन पर लिखा नो आरएससी नो सीएआर नो एनपीआर। लड़कों के अंदर इतना जोश भर गया था कि युवाओं ने अपने लहू के कतरे निकाल देंगे इस काले कानून को खत्म करने के लिए। युवाओं ने कहा हमारी बहन माँ सात दिन से सात रात बैठी हुई है, हम पीछे क्यों हटे। उन्होंने इतिहास रच दिया, अपने खून से उन्होंने कफन पर लिखा है सरकार को घेरा का सरकार हमारी मांगों को अनसुनी ना करें। मैं रोज हमें अपने खून से कफन पर लिखेंगे। इस दौरान युवाओं का एक खास वर्ग वहां मौजूद था, महिलाएं भी मौजूद थी। महिलाओं ने उन लड़कों का हौसला अफजाई किया और दोनों मिलकर विरोध प्रदर्शन दौरान कहा कि काला कानून से पूरे देश में हो रहा विरोध प्रदर्शन सरकार क्यों भाई को भाई से अलग करना चाहती है। उन्होंने कहा सरकार कानून वापस नहीं लेती तो हम अपने खून के एक एक कतरा निकाल प्रदर्शन करेंगे। आइए सुनाते हैं फरहान उस्मानी प्रदर्शनकारी का क्या कहना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंसूर अली पार्क में किस तरह से महिलाएं एकजुट हुई हैं काले कानून के विरोध में अपना प्रदर्शन करने के लिए, विरोध जताने के लिए। वहीं पास आप देखेंगे कि यहाँ के नौजवान वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उन्होंने आज एक अनोखे ढंग से इसका विरोध जताया। एक कफन की चादर पर, एक सफ़ेद चादर पर अपने खून से नो NRC नो CAA और नो NPR का NPR लिखकर अपना विरोध जताया है। हम ये चाहते हैं कि इस विरोध को आप दिल्ली में बैठे लोगों तक पहुँचा दें और उनको जो हमारी मांगे हैं उन तक पहुँचा दें और उनको जल्द से जल्द इस कानून को वापस लेने पर मजबूर कर। कब से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं और किस कारण कर रही हैं? हम 12 तारीख से यहाँ पे आए हुए हैं। मुझे जैसे ही पता चला कि कुछ हमारी महिला साथी यहाँ पे जो CA NRC के विरोध में यहाँ आई है, तो हम इसलिए भी यहाँ पहुँचे कि ये जो NRC और CA की लड़ाई, ये हिंदू मुस्लिम सबके लिए है, ना कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए है। ये हम सब के हक और अधिकार के खिलाफ है। जो संविधान पे ये खतरा है उसको बचाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं और जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को यहाँ रखा देंगे। क्या नाम है आपका? सरिता। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब